जहांगीराबाद में मौसम ने अचानक करवट बदल ली और काले बादलों के साथ रिमझिम बारिश हुई, जिसने मूसलाधार बारिश का रूप ले लिया। इससे जगह जगह जल भराव होने से जहांगीराबाद ताल तलैया में तब्दील हो गया। सीधे संवाददाता सुल्तान अंसारी का रुख करते हैं। सुल्तान, बरसात ऐसी कि हर जगह पानी ही पानी हो गया, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, आज सुबह से ही 6 बजे से मूसलाधार बारिश जहांगीराबाद में बरस रही है। इससे जहांगीराबाद में पानी पानी हो गया, पूरा जहांगीराबाद ताल तलैया बन गया है। स्कूल कॉलेज बिल्कुल बंद हो चुके हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे भी पानी में ही निकलने एकदम मजबूर है सर। जी सुल्तान, एक तरफ जहां लोग बरसात में नहाते नजर आ रहे हैं, वहीं उन्हें दिक्कत भी काफी हो रही होगी, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, इतनी परेशानी हो रही है, घरों में पानी घुस गया है, दुकानों में पानी घुस गया है, फिर निकलने में बड़ी दिक्कत सामना करना पड़ रहा है जी। सुल्तान, इस बरसात ने प्रशासनिक दावों की भी पोल खोल दी, इस पर क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, नगर पालिका की बिल्कुल पोल खुल चुकी है, पूरे नाले अटे पड़े हैं। शुक्रिया आपका सुल्तान हमसे जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गाजियाबाद जनपद में मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले का जनता ने स्वागत किया और अपनी खुशी का इजहार करते हुए जमकर लड्डू बांटे। आपको बता दें कि इस मौके पर लोगों ने ढोल की थाप पर नाचते भी नजर आए। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अकरम सैफी का रुख करते हैं। अकरम, केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला, ढोल की थाप पर नाच रहे हैं लोग, इस पर क्या कहेंगे आप? जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि 70 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जो बीजेपी सरकार ने कर दिखाया है जी। और यही उसका लोगों में देखने को मिला है जी। धारा 370 को हटाने में ढोल नगाड़ों के साथ नाचना गाना और मुंह मीठा के अपनी खुशी का इजहार किया जा रहा है। अक्रम, गाजियाबाद की जनता का क्या कुछ कहना है इस पूरे ऐतिहासिक फैसले पर? जी मैं बताना चाहूंगा, गाजियाबाद की जनता ने अपना भरोसा जताया है सरकार पर भी, और ये जो अहम फैसला लिया है ऐतिहासिक, बहुत ही खुशी का माहौल पैदा किया हुआ है क्षेत्र में। पूरी जानकारी जब की गई तो गाजियाबाद के निवासियों ने बताया कि ये सरकार का एक ऐसा फैसला बताया जा रहा है जिससे कि कश्मीर और जम्मू कश्मीर में आने जाने वाले को खुशी प्रदान करती है। शुक्रिया अक्रम आपका हमसे जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गंगापुर सिटी में इन दिनों रास्तों का हाल बेहाल है, जहां देखो वहीं रास्ते खस्ता हाल है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सलीम खान फोन लाइन पर हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। सलीम, विकास का दावा कागजों तक ही सीमित है, इस पर क्या कहेंगे आप? यहाँ पर आम रास्तों की हालत पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है और L&T कंपनी की ओर से जो चल रहा काम, उसकी वजह से चारों साइड में हर तरफ नाली खोदी जा रही, रास्तों को खोदा जा रहा है। यहाँ पर कई बार ठेकेदारों को भी अवगत कराया है, मगर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सलीम, क्या वजह है कि इन रास्तों की मरम्मत नहीं हो रही है? कुछ दिन पहले SDM साहब ने, हमारे गंगापुर सिटी SDM जी, उन्होंने इस चीज पे सख्ती के साथ आदेश भी दिए थे कि जिन लोगों के नल कनेक्शन टूटे हुए हैं सीवरेज लाइन के चलते और जो रास्ते डैमेज पड़े हुए हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए, मगर अभी तक इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई नजर होती हुई नजर नहीं आ रही है। सलीम, क्या प्रशासनिक अधिकारियों को पता है ये सारा मामला, उनके संज्ञान में है ये? बिल्कुल सर, आम रास्तों पर जो मुख्य मार्ग है उन पर हर आदमी आला अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, सारा मामला पूरी तरह प्रशासन की नजरों में है, उसके बावजूद भी आम आदमी है मजबूर इन रास्तों पर चलने के लिए। सलीम, अगर आपके गंगापुर सिटी के लोगों से बात हुई हो तो उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? लोगों का कहना है कि ठेकेदार हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और कई बार अवगत भी कराया है, मगर किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। शुक्रिया सलीम आपका हमसे जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के।